नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल पेज पर सोनीपत से आपका स्वागत है। जिस प्रकार से बिजली विभाग अब गांव-गांव घर-घर बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहा है, इसके पीछे सरकार की एक ही मंशा है कि जगमग योजना के तहत लोगों को हर घर तक जो है 24 घंटे बिजली मिले, और इसके लिए प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। सोनीपत प्रशासन द्वारा जहां जगमग योजना के तहत घर घर बिजली पहुंचाने का कार्य तेज किया जा रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन ने कुछ चोरी पकड़ने के लिए भी टारगेट फिक्स किए हैं। 1.5 करोड़ रुपए का टारगेट सोनीपत में रखा गया है, यानी कि अब अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ प्रशासन कठोर से कठोर कदम उठाएगा। जैसा कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, चोरी करने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में अब नकेल कसी जा रही है, और यह नकेल अब जिला स्तर पर पूरे पुरजोर स्तर पर पूरे तेज स्तर पर की जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज हरियाणा का है और आप यहां लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि सोनीपत में डिवीजन वाइज जो है अब निर्णय लिया गया है, सख्त आदेश जो हैं वो दिए गए हैं अधिकारियों को, और चोरी करने का कोई भी मामला अगर सामने आता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ भारी जुर्माना है वो लगाया जा रहा है। और सोनीपत में भी अगर बात करें तो मोटा जुर्माना के साथ साथ नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन क्या कुछ कहती है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से गोहाना डिवीज़न की बात करें तो 50 लाख रुपये, सोनीपत डिवीज़न के लिए 50 लाख रुपये, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए का लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार से जो है अलग अलग लक्ष्य दिया गया है, वहीं ग्रामीण स्तर पर डिवीज़न ने अपना लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर अक्सर चोरियां जो हैं बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब ग्रामीण स्तर पर भी लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये खबर आपके संबंधित भी हो सकती है, अगर आपके आसपास कोई चोरी हो रही है या चोरी करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत भारी नुकसान, यानी कि एक बड़ा जुर्माना जो है आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली विभाग प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक उपभोक्ता पर नज़र गड़ाए हुए है, और अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी बल्कि मोटी रकम आपसे वसूली जाएगी। हालात ये भी तस्वीर ये भी आ रही हैं कि अगर एक बार कनेक्शन कट जाता है तो दोबारा कनेक्शन लेने के लिए जद्दोजहद जो है वो आपको उठानी पड़ सकती है। इसलिए प्रशासन की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में बिजली चोरी ना करें, क्योंकि बिजली चोरी करना न केवल अपराध है। अब हालात ये भी हैं कि आप ये सोच रहे हो कि केवल घरेलू लोगों पर ही ये बिजली चोरी के मोटी रकम वसूली जा रही है, नहीं, इंडस्ट्री है या फिर कोई छोटा उद्योग है या फिर कोई डेयरी है या फिर अन्य कुछ लोग हैं जो अपने घरों में कमर्शियल लोड जिन्होंने नहीं बढ़वा रखा है, तो उन पर भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अगर आपके मीटर का लोड कम है और लोड कम होने की वजह से आप बिजली की खपत ज़्यादा कर रहे हैं तो तब भी आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए ये तमाम जो गाइडलाइन हैं वो विभाग की तरफ से जारी की गई हैं, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर तक जो है बिजली पहुंचे, 24 घंटे पहुंचे, 24 घंटे ना कम से कम 20 घंटे तो ज़रूर पहुंचे, तो इसके लिए सरकार जो है अब सीधे तौर पर जगमग योजना के तहत हर घर प्रयास कर रही है। लेकिन जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई हो रही है बल्कि मोटा भुगतान जो है उनको करना होगा। ये जो लाइव वीडियो है आप इंडिया न्यूज हरियाणा के पेज डिजिटल प्लेटफॉर्म सोनीपत से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि एक एक बारीकियां हम अपने इस पेज पर लेकर आएंगे, हर वो खबर जो आपके नज़दीक की है, आपके सरोकार की है। और कोई भी अगर आपकी खबर को कवर नहीं कर रहा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, आपसे हम जरूर जुड़ेंगे। आपकी खबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप तक पहुंचना हमारा धर्म है। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। फिलहाल के लिए नमस्कार, क्योंकि आप हमारे पेज सोनीपत से डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर ये लाइव वीडियो देख रहे थे। नमस्कार।